गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम आपका कॉमर्स क्लास में। मैं असलम मंसूरी, बी कंटिन्यू टॉपिक की ओर हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले फटाफट आप लाइव क्लास को ज्वाइन करें। प्रैक्टिकल पोर्शन शुरू करने से पहले हम यहाँ पे जो इंटरेस्ट था उसके कौन कौन से मेथड है उन मेथड्स पर डिस्कस करते हैं। ध्यान देना, इंटरेस्ट चलेगा यहाँ पे, क्या चलेगा यहाँ पे, इंटरेस्ट चलेगा। अब इंटरेस्ट दो चीज पे लगेगा, ऑन कैपिटल और ऑन ड्रॉइंग्स। ध्यान से देखना और समझना, इंटरेस्ट को आज हम टैली करेंगे, पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इनमें इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के कौन कौन से मेथड्स हैं, उस मेथड्स में कौन से फॉर्मूले से क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा, तो आज इन फॉर्मूला को और इसके मेथड्स को हम यहाँ देखेंगे। तो आप राइट करें मेथड्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मेथड ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पूंजी पर ब्याज की विधियां, ध्यान देना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब यहां पे इसके मेथड सारे हमारे पास दो मेथड है, यहां पे समझना, यहां पे कितने मेथड है, टू मेथड्स है यहां पे। फर्स्ट मेथड आ रहा है हमारे पास सिंपल मेथड, सिंपल मेथड, साधारण विधि। सबसे पहले हमारे पास सिंपल मेथड आ रहा है, यानी साधारण विधि। तो सिंपल मेथड में हम इंटरेस्ट को किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं उसका सिर्फ आपको फॉर्मूला लर्न करना है, रिमाइंड करना है, फॉर्मूला माइंड में बिल्कुल फिक्स बैठाना है कि जब सिंपल मेथड आए तो ये फॉर्मूला चार्ज करना है। तो बात आती है कि सिंपल मेथड हमें कैसे पता चलेगा कि सिंपल मेथड यहां लगेगा या दूसरा मेथड यहां फॉलो किया जाएगा, अप्लाई किया जाएगा। उसके लिए हम उस टॉपिक को थोड़ी सी आगे क्लियर करेंगे कि हमें कौन सा पता, किस टाइप से पता चलेगा कौन सा मेथड कहां फॉलो किया जाएगा। बट उससे पहले हमें सिंपल मेथड से इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला देखना है यहां पर। तो इंटरेस्ट देखना, इंटरेस्ट इक्वल कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100। समझने की कोशिश करना, यहां पे इसका ये फॉर्मूला लग रहा है, यहां पे इसके लिए फॉर्मूला चार्ज हो रहा है हमारे पास। फॉर्मूला देखें आप, फॉर्मूला क्या लग रहा है यहां पे, इंटरेस्ट इक्वल कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100 कि किसी पार्टनर की ए बी सी राम रहीम रोजा एक्स वाई जेड जो भी पार्टनर हैं उन पार्टनर्स ने बिजनेस में कितना कंट्रीब्यूशन किया, कितनी कैपिटल इंट्रोडक्ट की, कितना कैसे इन्वेस्ट किया, उस पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो नॉर्मल फॉर्मूला इसका कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100। क्लियर, सॉल्यूशन इसका बाद में करेंगे अपन एक एक क्वेश्चन लेके। दूसरा मेथड है इसमें यहां पे प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड यानी गुणनफल विधि। ध्यान देना, गुणनफल विधि, प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला आपको यहाँ पहले एक्सप्लेन किया जाएगा, राइट किया जाएगा।
फिर हम आपको फाइंड करना सिखाएंगे कि कहां सिंपल मेथड यूज करना है और कहां प्रोडक्ट मेथड यूज करना है। क्लियर? लेट्स क्लियर। आपको राइट करने का टाइम दिया जाएगा, बोलने के बाद राइट करें आप, ठीक है? राइट भी करते जाएं अब, जिससे कि साथ साथ राइट करते जाओ, बोलते वक्त आपको समझने में आसानी होगी। समझाया जाता है तब सिर्फ समझने में ध्यान दें आप। हाँ भाई, अब देखना प्रोडक्ट मेथड में क्या आती है। जैसे हिंदी में लिखा हुआ है गुणनफल, यानी मल्टीप्लाई किया जाएगा। अब किसको मल्टीप्लाई किया जाएगा, यहां फॉर्मूला लेते हैं, पहले देखना एक बार। इंटरेस्ट इक्वल टोटल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। वापस देखना इसका फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है यहां पे। इंटरेस्ट इक्वल टोटल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाई बाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 1/12। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के सिर्फ ये दो मेथड हैं। इसको हिंदी में चार्ज कर देते हैं, पर देखना ब्याज बराबर गुणनफलों का योग इंटू दर बटे 100 इंटू 1/12। क्लियर? अब ध्यान देना यहां पे आप कि कहां पे सिंपल मेथड अप्लाई करना है और कहां पे प्रोडक्ट मेथड अप्लाई होगा। क्लियर? समझने की कोशिश करना। पार्टनर हमारे पास ए बी और सी, ये पार्टनर है। ये क्या है? पार्टनर है। क्लियर? अभी इन्होंने कंट्रीब्यूट किया, ठीक है। ए कंट्रीब्यूट कर रहा है 1 लाख, बी कंट्रीब्यूट कर रहा है 2,50,000 और सी कंट्रीब्यूट कर रहा है 3 लाख। कंप्लीट? एक पॉइंट तो हमारे पास ये पॉइंट बनता है, ध्यान से देखना समझना। अब दूसरा पॉइंट क्वेश्चन क्या बनता है यहां पे, ए एक्स वाई और जेड इन्होंने कंट्रीब्यूट किया। एक्स लगा रहा है 50,000 कंट्रीब्यूट, वाई कर रहा है 20,000 और जेड कर रहा है 90,000। इन्होंने भी सेम कंडीशन है यहां पे, बट थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा आपको यहां पे। अब ये क्या कह रहा है, एडिशनल केस ब्रॉट बाय वाई, ये कर लो आप 30,000 एट 1st December। ध्यान देना, दूसरा केस, दूसरा क्वेश्चन ये है। फर्स्ट हमारे पास ये कंडीशन अप्लाई हो रही है, सेकंड कंडीशन ये अप्लाई हो रही है। अगर यहां आपने अच्छी तरीके से समझ लिया तो आपके बड़े न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सोल्व करने में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। देखें, हम आपको बता रहे हैं कहां सिंपल मेथड अप्लाई होगा और कहां प्रोडक्ट मेथड अप्लाई होगा। तो देखना, फर्स्ट जो कंडीशन है हमारे पास, यहां पे तीन पार्टनर है, ए बी और सी। इन तीनों पार्टनरों ने सिर्फ कैपिटल जो कंट्रीब्यूट की, यानी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, वो ये है आपके सामने 1 लाख, 2 लाख, 50,000 और 3 लाख। और ये बिजनेस जब स्टार्ट हुआ था सिर्फ उसी टाइम पे कंट्रीब्यूट किया हुआ है, उसके अलावा कोई भी एडिशनल केस ब्रोट नहीं किया या एडिशनल केस इन्वेस्ट नहीं किया किसी भी पार्टनर के द्वारा। कंप्लीट? दूसरा केस ये है, तीन पार्टनर एक्स वाई जेड, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया बिजनेस के स्टार्टिंग में 50,000, 20,000 एंड 90,000।
फिर और यहां पे एडिशनल इंफॉर्मेशन आ गई, यहां पे अदर इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है एडिशनल केस ब्रोट, अलग से पैसा लाया गया है बाई वाई, वाई के द्वारा 30,008 दिसंबर, यानी कोई भी दिसंबर तो हमने डाल दी, कोई भी डेट यहां दी हुई रहेगी। तो आपको देखने में पता चल रहा है कि क्या डिफरेंट है, बता सकते हो आप क्या डिफरेंट है? हाँ सही जा रहे हो आप। फर्स्ट कंडीशन में तो सिर्फ और सिर्फ ओनली जो भी पार्टनर थे उन्होंने कंट्रीब्यूट जो कितनी बार किया, वन बार किया है, बिजनेस में कितना इन्वेस्ट किया सिर्फ एक ही बार किया है। जबकि सेकंड कंडीशन की बात करते हैं हम यहाँ पे, तो सेकंड कंडीशन में जो पार्टनर है अक्स और जेड, ध्यान देना अक्स और जेड ने तो सिर्फ वन बार ही कॉन्ट्रीब्यूट किया है, बट वाई ने यहाँ पे एक बार 20,000 और एक बार 30,000 कॉन्ट्रीब्यूट किया है। अब आते हैं मुद्दे पे, अपने पे, अपने पॉइंट पे आते हैं। अगर किसी पार्टनर के द्वारा बिजनेस में फर्स्ट बार या एक बार ओनली वन बार पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, तो वहां पे जो इंटरेस्ट फाइंड आउट किया जाएगा वो आएगा सिंपल मेथड से, क्लियर। और अगर किसी पार्टनर के द्वारा, एक पार्टनर के द्वारा, सभी पार्टनर्स के द्वारा अगर बिजनेस में केस एक से ज्यादा बार इन्वेस्ट किया जाता है, कंट्रीब्यूट किया जाता है, तो जितना कंट्रीब्यूट किया उस कैपिटल पे, उस केस पे आपको जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा वो आएगा यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड से चार्ज किया जाएगा। बात करते हैं केस फर्स्ट में, ए बी सी तीनों ने फर्स्ट बारी एक बारी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, तो यहाँ पे तीनों पे सिंपल मेथड फॉलो होगा, ठीक है। बात करते हैं हम सेकंड कंडीशन की, अक्स वाई जेड। अक्स वाई जेड में अक्स और वाई की बात हो रही है यहाँ पे, अक्स और वाई ने बिजनेस में सिर्फ वन बार पैसा इन्वेस्ट किया, एक बार किया, तो इनकी जो केस है कैपिटल है उस पे सिर्फ सिंपल मेथड ही अप्लाई किया जाएगा। बाकी बात करते हैं अपन वाई की, वाई ने दो बार पैसा इन्वेस्ट किया बिजनेस में, दो बार कैपिटल इन्वेस्ट की, तो यहां पे एक से ज्यादा बार अगर कोई पार्टनर बिजनेस में कुछ पैसा लगाता है, इन्वेस्ट करता है, तो उसकी कैपिटल पे आपको प्रोडक्ट मेथड फॉलो करना होगा। दैट्स क्लियर, ये दोनों फॉर्मूले हैं इसके। और कहां पे अप्लाई होगा सिंपल मेथड, कहां पे अप्लाई होगा प्रोडक्ट मेथड, क्लियर। अब हम अपने आगे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तो हमारा आगे पॉइंट, लेकिन बढ़ने से पहले आप एक बार इसको बोर्ड पे से राइट कर लो, जिससे कि आगे का पॉइंट आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो, समझते जाएं और इसको फटाफट राइट करते जाएं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में, लाइव चैट के अलावा कमेंट्स बॉक्स में भी कमेंट्स कर देना, या व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करते जाएंगे। हाँ भाई, अब आगे चलते हैं हम, जो हमारा सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट चलेगा आपके पास मेथड ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ध्यान देना मेथड्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये लो ये सेकंड पॉइंट हो गया यहां पे, मेथड्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, यानी आहरण पर ब्याज की विधियां, आहरण पर ब्याज की विधियां, ध्यान देना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की भी दो मेथड है यहां पे, लेकिन हम आपको यहां पे तीन मेथड के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे, क्लियर। ध्यान देना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की बात करते हैं, फर्स्ट टू मेथड एज सेम
चार्ज ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज करने के जो फर्स्ट टू मेथड थे, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड, वो ऐसे कैसे यहां पे फॉलो होंगे वहां पे ध्यान देना। तो फर्स्ट मेथड इसमें आ रहा हमारे पास सिंपल मेथड, सिंपल मेथड, साधारण विधि, वही इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया, बस इतना सा चेंज होगा। वहां पे कैपिटल पे इंटरेस्ट फाइंड आउट किया जा रहा था और यहां पे फाइंड आउट किस पे हो रहा है, ड्रॉइंग पे। तो यहां हो जाएगा इंटरेस्ट इक्वल ड्रॉइंग इनटू रेट अपॉन 100। एक छोटा सा चेंज हुआ है यहां पे, क्या हुआ है, अगर कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है, सिंपल मेथड है, तो वहां पे फॉर्मूला जाएगा इंटरेस्ट इक्वल कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100। बट अगर ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है और सिंपल मेथड है, तो वहां पे फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, कैपिटल की जगह ड्रॉइंग आ जाएगा, इंटरेस्ट इक्वल ड्रॉइंग इनटू रेट अपॉन 100। क्लियर। सेकेंड पॉइंट है इसका, सेकेंड मेथड है प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड यानी गुणनफल विधि, इसका भी फॉर्मूला सेम एज है, थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। इंटरेस्ट इक्वल कैपिटल पे चार्ज करने का क्या फॉर्मूला था प्रोडक्ट मेथड से, टोटल कैपिटल, टोटल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल यही था। अब यहां पे क्या आ जाएगा, टोटल प्रोडक्ट ऑफ ड्रॉइंग, ध्यान से देखना, टोटल प्रोडक्ट ऑफ ड्रॉइंग इनटू वन रेट अपॉन 100, रेट अपॉन 100 इनटू वन अपॉन 12 है, यहां पे ये बन गया हमारे पास। देखते जाना, समझते रहना, प्रोडक्ट मेथड में कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज करने का फॉर्मूला था इंटरेस्ट इक्वल टोटल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100 इनटू वन अपॉन 12। बट अब इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं ड्रॉइंग पे, तो उसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, टोटल प्रोडक्ट ऑफ ड्रॉइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू वन अपॉन 12। क्लियर। अब इसमें भी वही बात है, कहां पे सिंपल मेथड अप्लाई होगा, कहां पे प्रोडक्ट मेथड अप्लाई होगा, समझने की कोशिश करना। जिस प्रकार से कैपिटल अगर बिजनेस में एक बार ही इंट्रोडक्ट की जाती है, इन्वेस्ट की जाती है, तो वहां पे सिंपल मेथड फॉलो होगा, और अगर जहां पे किसी पार्टनर के द्वारा एक से ज्यादा बार, मोर ऑफ वन यानी एक से ज्यादा बार अगर बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया जाता है, कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है, तो वहां पे प्रोडक्ट मेथड होगा। वही बात यहां पे लागू हो रही है, वही रूल्स यहां पे फॉलो होंगे, क्या होंगे, अगर किसी पार्टनर के द्वारा, किसी पार्टनर के द्वारा होल ईयर में, होल ईयर में, पूरी साल में सिर्फ वन बार ड्रॉइंग की जाती है, एक बार ही ड्रॉइंग की जाएगी, तो वहां पे सिंपल मेथड फॉलो किया जाएगा, सिंपल मेथड से चार्ज, इंटरेस्ट ऑन चार्ज किया जाएगा। अगर किसी पार्टनर के एक के द्वारा या सभी पार्टनर्स के द्वारा होल ईयर में एक से ज्यादा बार कैश विड्रॉ किया जाता है, गुड्स विड्रॉ किया जाता है, तो वहां पे आपको प्रोडक्ट मेथड लगेगा या फॉलो करना होगा। वही बात आ रही है, इस कैपिटल में इन्वेस्ट किया जा रहा था बार बार प्रोडक्ट मेथड, और ड्रॉइंग पे विड्रॉ किया जाता है बार बार, तो वहां पे प्रोडक्ट मेथड कंप्लीट। अब तीसरा आता है हमारे पास यहां पे देखना, थर्ड, एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड मेथड,
एवरेज पीरियड मेथड, औसत अवधि विधि। अब यहां पे सिर्फ इसी को पढ़ना अपने को थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि वो दोनों तो सेम थे हमारे। एवरेज पीरियड मेथड में ध्यान देना, यहां पे एक बार फॉर्मूला लेते हैं पहले, इंटरेस्ट इक्वल टोटल ड्रॉइंग, टोटल ड्रॉइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड। ध्यान देना फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है, एक्सप्लेन करेंगे भी फॉर्मूला को। एवरेज पीरियड मेथड क्या है, इंटरेस्ट इक्वल टोटल ड्रॉइंग यानी पूरे होल ईयर में कितनी निकाली हमने, इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड, यानी इसका फॉर्मूला का हिंदी बनेगा ब्याज इक्वल कुल आहरित राशि इनटू दर अपॉन 100 इनटू औसत अवधि। औसत अवधि, अब ध्यान देना यहां पे इन दोनों का तो डिफरेंट बता दिया, ये दोनों कब फॉलो होंगे। अब एवरेज पीरियड कब लागू होगा, यहां पे कब एवरेज पीरियड को अप्लाई किया जाएगा, ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। अगर क्वेश्चन में या अगर कोई पार्टनर बिजनेस से विड्रॉ करता है ड्रॉइंग के रूप में, प्राइवेट यूज के रूप में विड्रॉ करता है मंथली, ध्यान देना यहां पे शब्द आएगा, वर्ड आएगा मंथली यानी मासिक। क्या आएगा यहां पे, मंथली वर्ड यूज आएगा, यानी किसी भी पार्टनर के द्वारा 1 मंथ से, 3 मंथ से, 6 मंथ से, 9 मंथ से, यानी एवरी 3 मंथ एवरी 9 मंथ अगर मंथ वर्ड आ जाता है तो वहां पे कौन सा मेथड अप्लाई होगा, एवरेज पीरियड मेथड अप्लाई होगा। और उसका फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट इक्वल टोटल ड्रॉइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड। क्लियर, मेथड सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब थोड़ा सा हम ध्यान देना एवरेज पीरियड मेथड में लेते हैं, टोटल ड्रॉइंग तो जितने मंथ से उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा वो भी निकाल लेंगे, रेट क्वेश्चन में दी हुई रहेगी कितनी रेट से चार्ज करना है, बट अब हमें यहां पे एवरेज पीरियड फाइंड आउट करना है। वहां पे देखना एवरेज पीरियड कैसे फाइंड आउट होगा, पहले आप इसको राइट कर लो एक बार फटाफट, जल्दी से जल्दी राइट करो फिर हम आगे बढ़ते हैं, फास्ट कम फास्ट फटाफट करो इसको राइट करो फटाफट, देखें क्लियर। चलो भाई आगे चलते हैं, हम आगे का पॉइंट है हमारे पास इसमें एवरेज पीरियड फाइंड आउट करेंगे, क्या फाइंड आउट करेंगे, एवरेज पीरियड, और एवरेज पीरियड निकलेगा यहां पे मंथली, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ 6 मंथ 9 मंथ, क्लियर। अब ध्यान देना थोड़ा सा इसको ध्यान देना, बुक्स में डिटेल से नहीं है, मैं इसको डिस्क्राइब कर रहा हूं डिटेल से। एवरेज पीरियड, औसत अवधि देखना किस प्रकार से निकालेंगे, बताया था यहां पे क्या आएगा, मंथली ये वर्ड आएगा,
क्लियर। नॉर्मल जो आपकी बुक में दिया हुआ होगा वन मंथ, थ्री मंथ और सिक्स मंथ, लगभग लगभग ये दिया हुआ रहेगा। मंथली, वन मंथ, थ्री मंथ और सिक्स मंथ ये दिए हुए हैं। अगर टू मंथ, फाइव मंथ भी आ जाएंगे ना तो भी हम सोल्व कर देंगे, बट पहले आप इसको देखो। और इन मंथ में भी देखो कहां अंदर क्वेश्चन जा रहा है, समझने की कोशिश करना। इनमें भी तीन वर्ड आएंगे, बिगनिंग, मिडिल और एंड। बिगनिंग, मिडिल और एंड, समझने की कोशिश करना। क्या कंडीशन आएगी कि कोई पार्टनर है वन मंथ के बिगनिंग में विड्रॉ कर रहा है, वन मंथ के मिडिल में विड्रॉ कर रहा है और वन मंथ के एंड में विड्रॉ कर रहा है। ऐसा ही अगर कोई पार्टनर इस थ्री मंथ के बिगनिंग में, मिडिल में और लास्ट या एंड में, ऐसे ही कोई पार्टनर अदर पार्टनर इस सिक्स मंथ के बिगनिंग, मिडिल और एंड में विड्रॉ कर रहा है, तो वहां पे एवरेज पीरियड कितने महीने का आएगा, उस एवरेज पीरियड को हमें क्या करना है, यहां पे फाइंड आउट करना है, तभी जाके ये क्वेश्चन सोल्व होगा। और ज्यादातर बड़े क्वेश्चनों में या छोटे क्वेश्चन अलग से पूछ लेता है, तो लगभग लगभग चांस इसी क्वेश्चन के आने के रहते हैं, एवरेज पीरियड के, ड्राइंग के। और हर बार चार नंबर का क्वेश्चन बनता है, या तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फोर मार्क्स का, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फोर मार्क्स, राउंड होते रहते हैं, एक बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो अच्छी तरीके से देखें, तीन वर्ड्स हैं, मंथली आएंगे, कंप्लीट। अब चलेंगे हम, हमारी पास जो बुक में या आंसर में क्या कंडीशन दी हुई है उस कंडीशन को देखेंगे, ध्यान देना। इन कंडीशनों को ले रहा हूं मैं, अब ले रहे हैं हम, विड्रॉ किया जा रहा है, देखते जाना। फर्स्ट आ रहा है वेन विड्रॉ इज मेड, ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना क्या आ रहा है कि, ध्यान से देखना, विड्रॉ किया जा रहा है व्हेन विड्रॉ इज मेड एट द बिगनिंग ईच वन मंथ। क्लियर, थोड़ा देखे समझे क्या लिखा हुआ है यहां पे बोर्ड पे। व्हेन विड्रॉ इज मेड, विड्रॉ बनाया गया है, यानी ड्राइंग के बात हो रही है, बिगनिंग ईच वन मंथ, हर महीने की प्रथम तारीख को, यानी स्टार्ट में किया जा रहा है। तो यहां पे हम जो ये पढ़ेंगे, यहां पे एपी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे यहां पे, एपी, यानी एवरेज पीरियड को फाइंड करेंगे। क्लियर, अभी बता देता हूं कैसे क्या निकलेगा। दूसरा है इसमें व्हेन विड्रॉ इज मेड एट द मिडिल ईच वन मंथ, कंप्लीट। थर्ड है इसमें आप राइट करते हो साथ के साथ, फिर इसके बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे अभी, व्हेन विड्रॉ इज मेड एट द एंड ऑफ ईच वन मंथ। फोर्थ है व्हेन विड्रॉ इज मेड एट द बिगनिंग ऑफ ईच
थ्री मंथ, आगे है पांचवा फिफ्थ पॉइंट है व्हेन विड्रॉ इज मेड एट द मिडिल ऑफ ईच थ्री मंथ, आगे है सिक्स्थ इसमें व्हेन विड्रॉ इज मेड एट द एंड ऑफ ईच थ्री मंथ, कंप्लीट नाइन पॉइंट ही है। अगला है यहां पे सेवेंथ व्हेन विड्रॉ इज मेड एट द एंड ऑफ ईच सिक्स्थ मंथ, एड ते व्हेन विड्रॉ इज मेड एट द मिडिल ऑफ ईच सिक्स्थ मंथ, और लास्ट है नाइन्थ पॉइंट व्हेन विड्रॉ इज मेड एट द एंड ऑफ ईच सिक्स्थ मंथ, कंप्लीट। अब ये जो पॉइंट है एक बार इन पॉइंट्स को आप राइट करो और फिर इन पॉइंट्स के बारे में मैं थोड़ा डिटेल से डिस्क्राइब करता हूं कि एवरेज पीरियड कैसे फाइंड आउट होता है। फटाफट राइट करो आप, पता चल जाएगा आपको किस प्रकार से इनका एवरेज पीरियड क्लियर होगा। उतारा भाई क्या राइट है? हाँ तो देखना भाई, आप जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे और वहां पे अगर एवरेज पीरियड मेथड फॉलो हो रहा है तो आपको क्वेश्चन में ये जो नाइन पॉइंट है ना, देखना ये आ रहा है वन मंथ से, वन ये तीन पॉइंट आ रहे हैं थ्री मंथ से, और ये थ्री पॉइंट आ रहे हैं सिक्स मंथ से, कंप्लीट आ रहे बात। ये सारे पॉइंट एक ही क्वेश्चन में इतने पॉइंट नहीं पूछेगा, एक क्वेश्चन में सिर्फ तीन पॉइंट पूछेगा, कोई से भी उठा लेगा, ठीक है। तो तीनों में देखो मैंने आपको बताया था बिगनिंग मिडिल और एंड आया तीनों में, यहां से देखना क्या है बिगनिंग वन मंथ, ठीक है, मिडिल वन मंथ, एंड वन मंथ, कंप्लीट। इसमें क्या है बिगनिंग थ्री मंथ, मिडिल थ्री मंथ और एंड थ्री मंथ, क्लियर। ऐसे इसमें है क्या है मेड एंड नहीं, यहां बिगनिंग करना भाई, बिगनिंग करना है यहां पे, बिगनिंग कितना सिक्स मंथ, मिडिल है सिक्स मंथ और एंड है सिक्स मंथ। देखें आप, पता चलेगा आपको कि कौन सा पॉइंट कहां पे है, क्लियर क्लियर। ये दिए हुए हैं, ये मंथ है, ये बिगनिंग एंडिंग और मिडिल, बिगनिंग एंडिंग और मिडिल, बिगनिंग एंडिंग और मिडिल, ये दिया हुआ रहेगा। दोनों प्रोसेस बताऊंगा, या तो आपको इसके साथ साथ ये राइट करना पड़ेगा, यहां एवरेज पीरियड में ध्यान देना, मंथ आएंगे एपी में क्या आएंगे मंथ आएंगे, ये आएगा 6.5 मंथ, कितना 6.5 मंथ, ये आएगा सिक्स मंथ, और एंड वाला आएगा आपके 5.5 मंथ, ध्यान से देखते जाना
जब कोई पार्टनर विड्रॉ करता है बिगनिंग में 1 मंथ के, तो वहां पे आपको ये दिमाग में फिक्स बैठाना है कि 6.5 मंथ के लिए इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। अगर मिडिल में आ रहा है तो 6% इंटरेस्ट है 6 मंथ के लिए चार्ज करना है, और अगर वहां पे एंडिंग में आ रहा ईच मंथ के, तो वहां पे 5.5 मंथ के हिसाब से चार्ज करना है। ऐसा ही अगर 3 मंथ के बिगनिंग में आता है तो आपको महीने काउंट करने पड़ेंगे, वहां पे 7.5, कितना महीना 7.5। अगर मिडिल में आता है तो 6 मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, और अगर 3 मंथ के एंड में आता है तो यहां पे 4.5 मंथ के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगर 6 मंथ के क्या आता है बिगनिंग में आता है तो यह आएगा 9 मंथ के हिसाब से, क्लियर, और मिडिल में आता है 6 मंथ के हिसाब से, और एंड में आता है तो 3 मंथ के हिसाब से। तो भैया ध्यान देना, एक पॉइंट बताया मैंने, आपको पास ये कंडीशन दी रहेगी और ये मंथ है एवरेज, इनको आपको फिक्स करना पड़ेगा माइंड में, लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, क्लियर, रटना नहीं है। हाँ, अगर इस हिसाब से है तो ये है कि जी रटन विद्या करनी पड़ेगी आपको, बट अगर लैंग्वेज ऊपर नीचे आ गई या ये मंथ आपने ऊपर नीचे चेंज कर दिए, तो आपका क्या ये जो क्वेश्चन है वो सारा ही रॉन्ग हो जाएगा जो भी सॉल्यूशन किया है। अब आती है एक चीज, तो ये है कि आपको इसको लर्न करना पड़ेगा अच्छी तरीके से, बार 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 रिपीट करना पड़ेगा तब जाके क्लियर होगा, या फिर एक ये मंथ को काउंट करने का, मंथ को फाइंड आउट करने का एक आसान इजी तरीका आपको बताता हूं, उसको देखना यहां पे ध्यान से देखना। अपन एक फॉर्मूला चार्ज करेंगे, यहां पे क्या चार्ज करेंगे, एक फॉर्मूला चार्ज करेंगे, वो लगेगा हमारे पास n अपॉन टू, क्या लगेगा n अपॉन टू, समझना n अपॉन टू क्या है, n अपॉन टू में n को डिस्क्राइब करेंगे अपन नंबर ऑफ मंथ, यानी कितने महीने से विड्रॉ किया जा रहा है, उसको n डिस्क्राइब करेगा कितने महीने से किया जा रहा है, 1 मंथ है, 3 मंथ है, 9 मंथ है, वो आ जाएगा कंप्लीट, 1 मंथ है, 3 मंथ है, 9 मंथ है, वो है, वो किसको डिस्क्राइब करेगा, पर ध्यान देना एन नंबर ऑफ मंथ इन मंथ को डिस्क्राइब नहीं करेगा, इन मंथ को डिस्क्राइब नहीं करेगा, यहां पे बिजनेस रनिंग ऑफ बिजनेस, बिजनेस मंथ उसको डिस्क्राइब करेगा, अच्छी तरीके समझना, रनिंग ऑफ बिजनेस मंथ, बिजनेस कितने महीने चला, बिजनेस कितने महीने वर्क किया, यानी ऑर्डिनरी हमने अभी तक ये देखा है कोई भी बिजनेस 12 मंथ के लिए होता है, कितने महीने के लिए होता है 12 मंथ के लिए होता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि कोई भी मंथ 12, हाँ अकाउंट 12 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट किए जाते हैं, बट अगर कोई बिजनेस 6th मंथ ही चले, 9th मंथ चले, 8th मंथ चले, तो वहां पे जिस टाइम पे बिजनेस को डिशोल किया जा रहा है वहीं पे उसके लिए ये अकाउंट प्रिपेयर किए जाएंगे। तो जो एन है हमें डिस्क्राइब करेगा नंबर ऑफ मंथ, और मंथ कौन से, रनिंग ऑफ बिजनेस, क्लियर। अब ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना, फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, हमारे पास एवरेज पीरियड में ले रहे हैं, थोड़ा यहां पे देख लेना, रब कर देता हूं मैं, एवरेज पीरियड में देख रहे हैं अपन, एवरेज पीरियड में क्या है, यहां पे हमारे पास एक है वर्ड है हमारे पास बिगनिंग, यानी स्टार्ट कर दो या बिगनिंग कर दो, एक बिगनिंग वर्ड है कंप्लीट, एक है मिडिल वर्ड है, और एक है एंड। थोड़ा सा देखना, ये जो मंथ था आपके पास, मंथ फाइंड आउट करने का इजी फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आपको, यहां पे बिगनिंग मिडिल और
एंड है, ध्यान देना, और फॉर्मूला ये लगेगा, ध्यान देना, मैं यहां पे बिजनेस का जो रनिंग बिजनेस है नॉर्मली, नॉर्मली बिजनेस 12 मंथ से ले रहे हैं कि बिजनेस कितने महीने रनिंग कर रहा है, 12 महीने रनिंग करता है। तो ध्यान देना, अगर कहां कहीं पे मिडिल आ जाए, कहीं पे भी मिडिल आ रहा है तो मिडिल पे ये फॉर्मूला चार्ज कर देना आप, एन अपॉन टू, ये फॉर्मूला लगेगा भाई मिडिल के लिए, एन अपॉन टू, देखना एन अपॉन टू। तो एन को कितना मान रहे हैं अपन यहां पे, ध्यान से देखे और समझे कि एन को हम कितना ले रहे हैं यहां पे, एन है हमारे पास यहां पे नंबर ऑफ मंथ रनिंग बिजनेस चला है कितना, 12 मंथ चला है। तो अपन यहां ले लेंगे 12 अपॉन 2, तो 12 अपॉन 2 कितना होगा, 6 होगा। तो देख लो 6 है यहां पे मिडिल में, 6 थ्री मंथ के मिडिल में, 6 और 6 मंथ के मिडिल में, 6 कंप्लीट। हाँ एक चीज अब ध्यान रखना, अगर बिगनिंग आ जाए तो बिगनिंग में हमें ऐड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा यहां पे, ऐड करना पड़ेगा। अब ऐड क्या करेंगे वो बताता हूं मैं, बिगनिंग वर्ड में, यानी बिगनिंग कितने महीने के बिगनिंग में हो रहा है उसको यहां पे क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। ध्यान देना फॉर्मूला तो ये का ये फॉर्मूला यहां राइट किया जाएगा, एन और बिगनिंग में क्या किया, ऐड प्लस बिगनिंग, बिगनिंग मंथ अपॉन टू, अच्छी तरह के समझ लेना, एन अपॉन टू में प्लस कर दो बिगनिंग मंथ, एन अपॉन टू में प्लस कर दो बिगनिंग मंथ। जिसे फर्स्ट पॉइंट को सोल्व कर रहा हूं मैं यहां पे, फर्स्ट पॉइंट को सोल्व कर रहा हूं, मैंने लगाया एन अपॉन टू फॉर्मूला, एन अपॉन टू लगाया, ध्यान से देखना एन अपॉन टू लगाया, क्या आया बिगनिंग, और बिगनिंग के लिए क्या बताया हमने, प्लस, तो बिगनिंग के लिए हमने प्लस लगाया, प्लस में क्या है बिगनिंग मंथ, क्या है बिगनिंग मंथ, और बिगनिंग मंथ कितना है यहां पे, वन मंथ, कितना है वन मंथ। तो फॉर्मूला क्या हो गया, एन प्लस वन अपॉन टू, और एन कितना हमारे पास यहां पे 12 है, 12 प्लस वन अपॉन टू, इसको किया तो ये आ गया हमारे पास 13 अपॉन टू, इसको सोल्व किया तो हमारे पास आ रहा 6.5 मंथ। या तो इस चीज को बार बार रिपीट करो, याद करो, या फिर इस फॉर्मूले से इस प्रकार से यहां पे इसको फाइंड आउट किया जाएगा 6.5। क्लियर, आगे पॉइंट सोल्व करना बताता हूं आपको, वापस देखना इसको, अपन ले लेते हैं फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट ले लिया तो वही क्या लगाया हमने, एन अपॉन टू, बट यहां पे क्या है बिगनिंग, और बिगनिंग के लिए क्या किया मैंने, प्लस, यहां कर दिया प्लस, और कितना प्लस, 3 मंथ, ये आ गया 3, एन का मीन्स हो गया यहां पे 12 मंथ, 12 प्लस 3 अपॉन 2, क्लियर, और यहां पे आ गया 15 अपॉन 2, यानी 7.5, कितना आया 7.5, फोर्थ पॉइंट में लिया 7.5, क्लियर। इस प्रकार से आप नॉर्मली बिगनिंग का फॉर्मूला चार्ज करके बिगनिंग के मंथ डेट काउंट कर सकते हैं, क्लियर। हाँ भाई, अब आते हैं अपन एंड में, ध्यान देना किस में आए हम, एंड में आ रहे हैं यहां पे, तो एंड में आ रहे हैं तो एंड के लिए आपको यहां पे माइनस करना पड़ेगा, जैसे बिगनिंग में प्लस किया था वैसे ही एंड में क्या करेंगे, माइनस करेंगे, एन अपॉन एन प्लस बिगनिंग मंथ, बिगनिंग मंथ आ गया ना यहां पे, तो यह आ जाएगा एन माइनस एंडेड मंथ, एन माइनस एंडेड मंथ अपॉन टू, ये इसका फॉर्मूला हो गया, एन एंड आएगा तो माइनस, एन माइनस एंडेड मंथ अपॉन टू। ले लेता हूं मैं आपको थर्ड पॉइंट, देखना
अपन ने लिया ये फॉर्मूला लगा दिया एन अपॉन टू, क्लियर, एन अपॉन टू में एंड आया, एंड आते ही मैंने क्या लगाया माइनस, एंड कितने महीने के, वन मंथ के, वन मंथ ये कर दिया एन माइनस वन अपॉन टू। अब यहां बात करते हैं एन कितना महीना है, 12 मंथ से बिजनेस ले रहे हैं, माइनस वन अपॉन टू, इलेवन अपॉन टू यानी 5.5, थर्ड में आ रहा है 5.5, क्लियर, आई बात समझ में। एक और कैलकुलेट करके दिखाते हैं आपको, हम दिखाते हैं आपको नाइन्थ वाला पॉइंट, नाइन्थ वाला फॉर्मूला लगाते हैं ये एन अपॉन टू, क्लियर, हमने पढ़ा और पढ़ने में हमें कौन सा वर्ड मिल रहा है एंडेड, एंडेड में हमने माइनस का साइन किया, माइनस का साइन करने के बाद कितने मंथ के एंड में, सिक्स मंथ के एंड में, सिक्स मंथ कर लिया, ये फॉर्मूला हो गया अपना एन माइनस सिक्स अपॉन टू, एन नंबर ऑफ बिजनेस रनिंग, तो बिजनेस रनिंग 12 माइनस सिक्स अपॉन टू यानी कितना आ जाएगा 6/2 यानी सिक्स मंथ, और नाइन्थ में भी कितना है, कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 मंथ, क्लियर। तो देखो नाइन्थ का पॉइंट या तो आप लर्न करो बार बार या इस फॉर्मूले से सोल्व करो, क्लियर। एवरेज पीरियड मेथड में आपको एवरेज पीरियड इस प्रकार से फाइंड आउट किया जाएगा, सबसे इजी से इजी तरीका आपको बताया है, फिर भी अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और लास्ट तक वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।